अल्लाह होशियार करे हम तौबा इस्तगफार कर लें। अल्लाह कह रहे हैं हम तुमसे नाराज हैं, हम तुमसे नाराज हैं, हम ये अलामतें उतार रहे हैं, क्या मेरे बंदो तुम गुनाहों से तौबा करो। तो हम देखें कि अल्लाह हमारे अंदर क्या गुनाह है, अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे। हम लोगों के पास दौड़ें और उनसे कहें कि भाई देखो जो है अल्लाह नाराज है, झटके आ रहे हैं, तो सब लोग तौबा कर लो, सब लोग रुजू कर लो, मस्जिदों को आबाद कर दो, मस्जिदों को आबाद कर दो। यूनुस अलैहि सलाम की कौम ने क्या देखा, कि देखा कि नबी की बात नहीं मानी, बार बार रद्द किया नबी की बात को, बार बार रद्द किया। और जब जो है अजाब बिल्कुल करीब आ गया, सारे बादल आना शुरू हो गए, तो सारी कौम निकली कि अब तो तबाह हो जाएंगे, सारी कौम निकल कर बाहर चली गई और रोना धोना शुरू कर दिया, रोना धोना कि अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। बस अल्लाह को रहम आ गया, अल्लाह ने अपने अजाब को टाल दिया। वही एक कौम है जिसने अजाब को देगा और उसके बाद भी बचा लेगी। और हमको तो रोजाना अल्लाह जो सिग्नल दे रहे हैं कि मेरे बंदो तौबा कर लो, मेरे बंदो तौबा कर लो। तो मेरे दोस्तों हम डरे क्या, हम कैसे हैं, ये दुनिया ये कायनात कुछ भी नहीं है, ये कायनात की क्या हकीकत है दोस्तों। हम क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलम का तू रब है। ये एक जो आलम है ना, ये अल्लाह के नजदीक जर्रा है, ऐसे खरबों अरबों खरबों अल्लाह आलम चला रहे। ये अल्लाह के नजदीक कुछ भी नहीं है, ये नजदीक अल्लाह के कुछ भी नहीं है। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि अल्लाह सातों जमीन और सातों आसमान तेरी नाफरमानी करने लग जाए तो अल्लाह तू क्या करेगा। अल्लाह ने कहा एक जानवर को मुसल्लत करूंगा जो सातों जमीन और सातों आसमान को अपने एक लुकवे में अपने पेट में ले लेगा। क्या अल्लाह इतना बड़ा जानवर कहाँ है, कहा हमारे इल्म की चरागाहों में से, चरागाह में चल रहा है। तो हम जरा गौर करें वो जानवर कितना बड़ा होगा और फिर वो चरागाह कितनी बड़ी होगी। फिर हम सोचें हमारा हमारा और आपका पैदा करने वाला हमारा अल्लाह कितना बड़ा होगा। हम उसकी नाफरमानी करें अजीजू, हम उसकी नाफरमानी करें। अब दुनिया के साइंस वाले पहले कहते थे जब जमीन जो है ना सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, इस वक्त की क्या तहकीक है कि सूरज जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। और क्या तहकीक है सूरज के मामले में मालूम, दुनिया से कितना बड़ा है, 16 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है दुनिया से सूरज, 16 हजार गुना नहीं, 1600 गुना नहीं, 16 लाख गुना बड़ा सूरज है। जरा हम गौर करें वो खाली जगह जिसमें वो गर्दिश करता है, वो खाली जगह कितनी बड़ी होगी। फिर हम सोचें हमारा और आपका पैदा करने वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा। अल्लाह के अर्श के उठाने वाले 6 बड़े बड़े फरिश्ते हैं जिनकी हैयत अहादीस मुबारक में आई है। तो इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं कि उनकी एक आँख के कोने से दूसरे आँख के कोने का फासला फरमाए जमीन और आसमान का है। उनकी कान की लौ से कंधे का फासला जमीन और आसमान का है। जिब्रील अलैहि सलाम सारे फरिश्तों के सरदार हैं। सारे फरिश्तों के अपनी असली सूरत में आ जाए तो जो सातवीं जमीन का हिस्सा है, पहला हिस्सा जो है फरमाया इसके 50 किलोमीटर के बाद जो है सिर्फ आग ही आ गए, दुनिया वालों का आला नहीं जाता कि उसके नीचे वो सब गल कर खत्म हो जाता है। और फरमाया ये 50 किलोमीटर ऐसे है जैसे सेब के ऊपर एक छिलका। और इसके बाद फिर भी जमीन है, उसके बाद दूसरी जमीन, उसके बाद तीसरी जमीन, ये 7 जमीन, इसके बाद तहतुस्सरा। फरमाया तहतुस्सरा पर हजरत जिब्रील अमीन का कदम होगा और अल्लाह का अर्श जो है सातवें आसमान के बाद उनका सर अल्लाह के अर्श को छूटेगा, अपनी सूरत में आ जाएगा। इतने बड़े फरिश्ते 70,000 अल्लाह ने बाजू दिए हैं, एक बाजू को खोले तो पूरा मस्जिद को ढांप ले, दूसरे बाजू को खोले तो पूरा मगरिब ढक जाए। इतने बड़े बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते इस दोस्तों बनाए हैं। हमारी क्या हकीकत है, हम उस रब की नाफरमानी करें। हमारे दिल में भी बात आती है कि मेरे अल्लाह मैं गुनाह कर रहा हूँ, और हम सोच रहे हैं कि अल्लाह मेरे अल्लाह को नागवार गुजर रहा, लेकिन हमारा नफ्स इतना कमजोर हो गया, हमारा नफ्स हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि हमको गुनाहों से नहीं बचाता। तो ये ईमान कैसे मजबूत होगा दोस्तों। फरमाया ईमान को ताजा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी कसरत कर दी है। जो बंदा रोजाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
उसको जो है कल कयामत के रोज जब ये उठाया जाएगा, इसका राज चौधरी, इसका चेहरा चौधरी रात की चांद की तरह से चमकता हुआ रोशन होगा। और उस दिन उससे ज्यादा नेक अमल करने वाला आदमी वही हो सकता है जो इस कलमे को उससे ज्यादा पढ़ा। एक मरता बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया अर्श के सामने एक नूर का सुतून है वो हिलने लगता है। अल्लाह कहते हैं सुतून तू ठहर जा। वो कहता है अल्लाह कलमा पढ़ने वाले की अभी तक मगफिरत नहीं हुई। अल्लाह कहते हैं सुतून तू गवाह है ना, मैंने उसकी मगफिरत कर दी। तो सुतून ठहर जाता है कलमा इतना। मूसा अलैहि सलाम ने कहा ऐ अल्लाह मुझको कोई खास गिफ्ट दे दे जिसके जरिए से मैं तुझको याद करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। कहा अल्लाह ये तो सारी कायनात कहती है, मैं तो कुछ मखसूस चाहता था, मैं तो कुछ स्पेशल चाहता था। अल्लाह ने फरमाया है मूसा सातों जमीन को सातों आसमान को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और एक में ये ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला वजनी हो जाए। इस कलमे को हम हल्का नहीं ले दो, तू उठते बैठते चलते फिरते एक ही रखो ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और हमारा दिल ये गवाही दे रहा हो, ये कह रहा हो कि मुझको शिफा देने वाले अल्लाह हैं और जिंदगी देने वाले अल्लाह हैं, मौत के देने वाले अल्लाह हैं, सारी दुनिया की ताकत मिलकर मुझको मारना चाहे अल्लाह की कसम मुझको अल्लाह बचाना चाहे सारी दुनिया की ताकत मिलकर मुझको नहीं मार सकती कि इज्जत के देने वाले अल्लाह और जिल्लत के देने वाले अल्लाह, इसका यकीन हमारे दिल के अंदर बेवस्त हो जाए। और वो कब होगा दोस्तों? इस कलमे के विर्द से बार बार इस कलमे के विर्द को किया जाए, इसकी पाकी अल्लाह की पाकी को बयान किया जाए। और मेरे दोस्तों और कहाँ होगा? जब अल्लाह के रास्ते में गिरेंगे, जब अल्लाह के रास्ते में पूरी दुनिया के अंदर एक इंकलाब आया। आज के आप जो है 30 साल 40 साल पहले अपने बुजुर्गों से पूछो हमारी कश्मीर की मस्जिदों में कौन रहता था, तो वो बताएंगे कि चंद बूढ़े आते थे, जवानों का पता नहीं था। कश्मीर के लोगों से पूछो और पूरी दुनिया के लोगों से पूछो कि मस्जिदों में कौन होते थे, हाँ चंद लोग होते थे, चंद जो है बूढ़े हुआ करते थे। और आज माशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरे आलम के अंदर जवानों के चेहरे के ऊपर दाढ़ी आ गई, जवान की जिंदगी बन गई और जवान मस्जिदों को आबाद करने लगा और लोगों ने शराबों से तौबा कर ली, जीना से तौबा की, गुनाहों से तौबा की। क्यों? ये अल्लाह के रास्ते में चलत फिरत हुई। पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आया, इनकलाब आया। इंग्लैंड शहर के अंदर आज के 60 साल पहले जो है एक भी मस्जिद नहीं थी। जुमा की नमाज वो लोग इतवार को अदा करते थे, वो भी किबले की तरफ मकान नहीं था, तो मकान का रुख दूसरी तरफ था, दूसरी तरफ रुख करके नमाज पढ़ लिया करते थे। जुमा की नमाज कब होती थी? और आज इंग्लैंड में कोई मस्जिदें गिन सकता है? 3000 से ज्यादा मस्जिदें किए हैं जहाँ पे नमाजें अदा हो रही। इंग्लैंड का बहुत सारा नाम किताबों में लिखा है, इस वक्त किताबों में एक नाम और ऐड हो गया, मीनारों वाला शहर। मीनारों वाला शहर 60 साल के अंदर कितना बड़ा इंकलाब आया दुनिया के अंदर। बेंगलोर के शूरा के जिम्मेदार, आज के तकरीबन 27 साल पहले हम बेंगलोर में मारपेट मरकज था, उससे हमारी मुलाकात हुई। उनकी कारगुजारी, उन्होंने मौलाना तलहा साहब को अपनी कारगुजारी सुनाई और मौलाना तलहा साहब ने मुझको खुद सुनाई वो कारगुजारी। कहा कि शुरू के अयाम में उनका तय हुआ कि बैरून मुल्क जाएंगे, वहाँ के शूरा में 4 अहबाब थे, फारूक भाई उसमें ये भी थे, फारूक भाई हयात है माशाल्लाह, और जो है ये अब्दुल रज्जाक भाई का इंतकाल हो गया जब हम बेंगलोर जिले में गए थे उस वक्त थे। अब्दुल रज्जाक भाई का तय हुआ ये जमात मलेशिया जाए, इंडोनेशिया या मलेशिया, जमात मलेशिया पहुंची। वहाँ की सबसे बड़ी, जैसे यहाँ की हमारी जो है जामा मस्जिद है, तो वहाँ की जामा मस्जिद में उतरे, जामा मस्जिद में उतरे तो वहाँ के जो सबसे बड़े चीफ मुफ्ती साहब से उनसे मुलाकात हुई। कहाँ से आए हो, क्या गर्ज है? कहा हिंदुस्तान से आए हैं, एक ऐसा ऐसा काम चालू हुआ है उसको लेकर हम लोग चल फिर रहे हैं। कहा कि तुमने ये कौन सी नई विधा शुरू कर दी, ये विधा कौन सी तुमने शुरू कर दी?
कि हम तुम्हारी मुखालफत करेंगे, हम तुम्हारी, अगर तुमने यहाँ पर ये काम किया तो ये तो बिदत है। अब्दुल रजाक भाई ने कहा कि हम तो घबरा गए, इतना बड़ा शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती, अगर ये जो हमारी मुखालफत पे आ जाएगा तो फिर तो यहाँ काम होना रहना भी मुश्किल हो जाएगा। कहा दूसरे दिन खामोशी के साथ, हमने मुफ्ती साहब को भी नहीं बताया, खामोशी के साथ हमने मस्जिद चेंज कर ली। कहा हमने 4 महीना लगा है, हम वापस आ गए। फिर कहा हमारा निजामुद्दीन से तय हुआ कि जमात बैरून जाएगी, तो हम फिर बैरून गए, तो फिर हम मलेशिया में हमारा रोल तय हो गया, उसी मस्जिद के अंदर उतरे। कहा लेकिन वो मुफ्ती साहब हमारे इस्तकबाल में खड़े हुए, वो मुफ्ती साहब जो जिन्होंने बिदत कही थी वो इस्तकबाल में खड़े हुए थे और कहा कि हमारी बहुत इज्जत की और आहलन वसहलन मरहबा कहा और कहा मस्जिद में हमको ले गए, हमारी मुलाकातें कराई, फिर हमारे खाने की दावत की, तो हम हैरान रह गए। तो हमने कहा मुफ्ती साहब आप हमको नहीं पहचानते लेकिन हम आपको पहचानते हैं कि आज से हम 15 से 20 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, तो आपने बिदत कहा था, अब ये कैसा तगैयुर आ गया आपके अंदर कि आप तो सबसे बड़े माविन नजर आते हैं, आप तो सबसे बड़े माविन काम के आप नजर आते हैं, क्या हो गया? कहा कि मेरा एक ही लड़का, मेरी एक लौती औलाद। कहा वो भी ऐसा था, मेरे पास एक ही लौती औलाद और वो मैं शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती और वो एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता था, मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं करता था कि अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे। कहा कि जो है शहीद इतना था पढ़ने में, उसने पूरे जो है मलेशिया में टॉप किया, हुकूमत ने तय किया ये हुकूमत के खर्च पर अमरीका पढ़ने जाएगा। कहा मेरे सीने पर सांप उड़ गया कि उसको अब ये जब अमरीका जाएगा तो वहाँ तो बेईमान हो जाएगा और किसी क्रिश्चियन लड़की को गले में लेकर आएगा, पता नहीं ईमान भी बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अमरीका का माहौल बहुत गंदा है, वहाँ नहीं जाना। तो उस नौजवान ने कहा तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारी अकल कैसे मौके कम लोगों को हासिल होते हैं। मुझको अल्लाह ने